एरिया में और वाईडीए के डॉक्टर यहाँ इकट्ठे हुए अजीम पट्टी से लेके यहाँ तक हमने पूरा मार्च भी किया और ये मीडिया वाले अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ आके डीपी ऑफिस को एक ना सिर्फ किला बना दिया गया है बल्कि वहाँ के दरवाजे भी नहीं खोले गए और ये एक इस चीज़ का ये चीज़ को जाहिर करती है कि पुलिस यहाँ पे लोगों को तहफ़ देने के इंसाफ देने के लिए नहीं है, ये अपनी हिफाजत के लिए बैठी है, अपने किला बंद होकर बैठी हुई है क्योंकि यहाँ के साथ है खाली हाथ डॉक्टर है और डॉक्टरों के साथ किसी का स्टेटस को ओवरऑल तो हो सकता है, कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ ना को डंडा है ना को छोटी है, तो इसलिए हम अपने इस हवाले से मैं ये अब ये अगर हमें इस बाहर नहीं आता डीपीए से बाहर नहीं हमें दरवाजा ना खोलने की इस बदाय में अपना फैसला करने जा रहे हैं। हम किसी भी किस्म की आज के बाद किसी भी पुलिस वाले को एंटरटेन नहीं करेंगे लाश देने के मामले में किसी सरकारी हॉस्पिटल में जब तक कि ये डीपीओ साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए जिसने आज यहाँ पे डॉक्टरों को अंदर आने से भी मना कर दिया। हम सब लोग उधर से पूरा तरीके से इत्तेजाज करते हुए जो कि हमारा कानूनी आईनी हक है हम लोग डीपीओ ऑफिस के सामने आए हैं। वो डीपीओ साहब जो कि आज के वक्त में भी यजीदियत की मिसाल कायम रखे हुए हैं वो लोग बाहर भी नहीं आ सकते, इस पढ़े लिखे तबके की बात भी नहीं सुन सकते, क्या वो सिर्फ मुजरमों की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं? मेरा सवाल है ये कामे बाला से कि हमें ये क्लियर किया जाए कि अगर कोई पुरअमन बंदा पुरअमन शहरी इधर आके डीपीओ साहब से बात भी नहीं कर सकता तो ये इतना बड़ा महल किस लिए बनाया गया है? मैं आज से एक बात वाजिया कर दूं कि ये कोई भी वर्दी वाला बंदा कोई भी पुलिस वाला ये पुलिसगिरी अगर इधर चलाते हैं तो इन लोगों को हॉस्पिटल्स में हमारा कोई भी डॉक्टर इंटरटेन नहीं करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठा हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये तमाम डॉक्टर कम्युनिटी ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी अपना वक्त निकाल के कीमती या अपने एक भाई के साथ इजहार यकजहती के लिए निकली है डॉक्टर अब्बास साहब के साथ जो कि एक हफ्ता पहले उन पर जुल्म ढाया गया, उनको 16 फ्रैक्चर हैं बॉडी में, अभी तक वो सीरियस हालत में हॉस्पिटल में पड़े हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि वो जो मुजरिम था जिसको ये डीपीओ हिफाजत दे रहे हैं पता नहीं क्या उसने कितने पैसे दे दिए हैं कि डीपीओ साहब एक मिनट के अंदर बिक गए हैं या पता नहीं किस अथॉरिटी का आर्डर है इनको कि ये लोग डॉक्टर से मिलना भी गवारा नहीं कर रहे, उस मुजरिम को पकड़ा ही नहीं है। जब तक ये नहीं पकड़ेंगे हम लोग काम करने से कासिर हैं और हम लोग नेक्स्ट पॉलिसी मैसेज में अपना लायबल देंगे डॉक्टर्स की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर डीपीओ गुजरात जो है यहाँ बाहर आए और हमारी बात सुने, मगर यहाँ पर कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और शायद पुलिस की जानिब से इस बात का भी खदशा है कि कहीं ये डॉक्टर अंदर जाकर जो है कहीं कोई तोड़फोड़ या कोई और जो है तसादम की सूरत अख्तियार ना करे। जहाँ पर आपको बताते चलें कि पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो भी इकट्ठा की जा रही हैं और यहाँ पर पुलिस फौज की गाड़ियाँ भी मंगवा ली गई हैं और इंतहाई कशीदगा जो है सूरत हाल इख्तियार की आवाज न्यूज हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।